चैनल और आप देख रहे हैं कशा व्लॉग। व्यूवर्स, मैं जा रही हूँ पौधों की जानिब और आपको दिखाते हैं पौधे। तम जी हाँ व्यूवर्स, ये है मेरी अंगूरों की बेल और अब जो है सर्दी की वजह से इसके सारे पत्ते जो है झड़ गए हैं। जब इसका दोबारा मौसम आएगा तो ये दोबारा से जो है ग्रीन हो जाएंगी। और अब इस वक्त ये सर्दी से इनका ये जो है ये हाल है या इसका मौसम जो है गुजर चुका है कि जैसे ही अंगूरों का मौसम आएगा तो ये सब्ज़ हो जाएंगी। इसके अलावा हम आपको दिखाते हैं, ये है हमारे पास अमरूद और ये एक छोटा सा हमारे पास अमरूद का पेड़ है जो कि ये देखें जी, ये करीब ज़रा मैं आपको दिखा सकती हूँ, करीब से कम अमरूद ही खाते हैं। ये अभी बड़ा हो रहा है और सरसब्ज है ये, तो जैसे ही इसका अब तो इसका मौसम है तो ये सरसब्ज है, इसके पत्ते भी सरसब्ज हैं। तो ये अभी अमरूद देगा लेकिन जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो, क्योंकि अभी ये छोटा पेड़ है, इसका अभी दरख्त इसका छोटा है जैसे माल्टे का होता है, तो ये अभी बढ़ रहा है। इसके अलावा ये माल्टे लगे हुए हैं और ये बेल है, ये मैंने काट दी है क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा पत्ते इसके नीचे गिरते थे बहुत ज़्यादा। इसका भी जो है मौसम अभी नहीं है, और जब ये मौसम आता है तो पूरे ये जो है दरख्त को सरसब्ज कर देती है और बहुत बड़ा बड़ा जो है इसका पत्ता निकल आता है। तो यहाँ पर ये खजूर का दरख्त है, मैंने पिछली भी वीडियो में बताया था कि ये इसका जो है सर्दी की वजह से इसका दाना जो है बहुत छोटा है। ये देखें जी, ये दाना इसका दिखा रहे हैं हम आपको, ये बहुत छोटा है। जैसे ही धूप तेज़ होगी, ये देखें जी, ये आपको दिखा रहे हैं, जैसे ही धूप निकलेगी और ये जो है इसका दाना मोटा हो जाएगा और ये फल इसका जो है फिर हम उतारेंगे। तो ये धूप आने की वजह से जो है ना, ये धूप से ये जो भरता है, जैसे ही धूप आएगी तो ये जो है अच्छा हो जाएगा। तो माशाल्लाह आज धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है। भाटा जो है एक सब्ज़ी है, तो फिर जब ये बहुत ज़्यादा तैयार हो जाएगा तो तब हम इसे उतारेंगे और आपको फिर दिखाएंगे वीडियो में अपनी। यह ऑरेंज है आई थिंक, और ये लगे हुए हैं, इसको भी जो है ना हमने सेट करके दोबारा से इसको सोचा है कि लगाएंगे। पता नहीं क्या होता है जी, अभी तो फ़िलहाल ये बड़े हो गए हैं काफ़ी। इनको पानी की ज़रूरत है तो इन्हें पानी देना है। और ये है खजूर का दरख्त, इसको भी जो है ना सर्दी की वजह से ये बांधा हुआ है और ये फैल जाता है, तो इसको हमने बांध दिया ताकि क्लोज हो जाए। तो व्यूअर्स, आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स में बताइएगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई, और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।